વડોદરામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના બુગલ વાગી ચૂક્યા છે ત્યારે રાજકીય પાર્ટીઓ એડીચોટીનું જોર લગાવવા જઈ રહી છે। વડોદરા શહેર વોર્ડ નંબર 6માં આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી સ્થિત પ્રચારક સ્ટાર પ્રચારક એવા કવિ શાહનવાજ હિન્દુસ્તાની આમ આદમી પાર્ટીના પોતાનું જોર અજમાવી રહ્યા છે। હવે પરિણામ તો સમજ બતાવશે। હાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને તડામારી તૈયારીઓ થઈ રહી છે ત્યારે ચૂંટણીમાં પોતાના તરફ મતદારોને ખેંચવા માટે અલગ અલગ કિમિયાઓ અપનાવવામાં આવતા હોય છે અને સ્ટાર પ્રચારકોને પણ બોલાવવામાં આવતા હોય છે, જેને લઈને આમ આદમી પાર્ટી પણ હવે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવી છે। ત્યારે વડોદરાના વોર્ડ નંબર 6માં પણ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સ્ટાર પ્રચારકની સાથે પ્રચાર જોરશોરમાં શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે। અમારી ઓસ્કરની ટીમ દ્વારા તેમની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી। વડોદરાથી વિશાલ બારોટનો રિપોર્ટ। जाते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो यहाँ के अस्पतालों की बिल्कुल बिस्मार हालत है। जहाँ पर दिल्ली में फ्री में आपको स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिलती है, करीब करीब मैं समझता हूँ 1 करोड़ तक का इलाज दिल्ली सरकार आपकी मुफ्त कराती है। रजिस्टर करने के लिए 10 रुपए का देना पड़ता है, तो ये क्या चीज है। अच्छा, वहां पर जाओगे तो आपको बिल्कुल गंदे कमरे मिलेंगे, आप बीमार तो हो ही, आप ज्यादा और बीमार हो जाते हो। तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार एक बहुत अच्छा मॉडल है। आपने यूट्यूब में देखा होगा, आपने फेसबुक पर देखा होगा। आप अगर चाहें पाए गए तो उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुसलमानों को टिकट दे रही है, तो क्या मुसलमानों का वोट कटवारा हो सकता है? ऐसा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो दुष्प्रचार कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए महत्व तो नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का ये कहती है, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कांग्रेस कहते कि मुसलमान हमारा वोट, बीजेपी कहती कि गैर मुसलमान हिंदू तबका दूसरा तबका हमारा वोट, तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू वोट तुम्हारा, मुसलमान वोट तुम्हारा, तो तुझे जिसको नाली चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, निगम के अंदर भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, फिर वो वोट किसका? इसीलिए आम आदमी पार्टी एक अच्छे विकल्प के रूप में आई है। जो कि मैंने कहा ना, किसी की भी बी टीम नहीं है, आम आदमी ए टीम है, तो ए टीम ही रहेगी। और दिल्ली में जो करके दिखाया है, दिल्ली में अगर कहते हैं कि उपराज्यपाल केंद्र के हस्तक्षेप के बाद भी दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो सकते हैं, तो यहाँ पर फिर आम आदमी पार्टी काम क्यों नहीं करेगी? इसलिए आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, या हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये, और असमी उड़िया गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे हैं। पहले हम है भारतवासी और दिवाली ईद मनाते देखे, राम संग रहमान है, इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है, उस एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। तभी इस एजेंडे के साथ मैं शहनाज हिंदुस्तानी अरविंद केजरीवाल का सिपाही होने के नाते, आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार एक स्टार प्रचारक होने के नाते ये कहता हूं कि जनता ने वडोदरा का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर इनकी पीठ पे खंजर घोपा है। और जब लोगों को लगा, जब बीजेपी को लगा, जब कांग्रेस को लगा, एक टोपी ने सबको जगा दिया, साजिश रचकर उसने फिर शैतानी चाबुक चला दिया। डालो फूट और राज करो, जो मैं आपने मुझे कहा वही बात कह रहा हूँ कि डालो फूट और राज करो गोरों ने ही सिखलाया था, इसी के चलते इस भारत माँ को नोच नोच कर खाया था, लेकिन अब काले अंग्रेजों ने इसको अपनाया है, फूट डालकर जनता में पूरे हिंदुस्तान का भोग लगाया है, और ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है। और कुछ भी हो जाए, हमको अब ये तस्वीर बदलनी है, तस्वीर बदलने आएंगे और बदल करके रहेंगे। ए रहेगी। दूसरा तीसरा मोर्चा तो ये लोग थे, B4 BJP, C4 कांग्रेस, A4 आम आदमी पार्टी है, तो A1 ही रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको वोट दिया तो वो जीत जाएंगे, अगर ऐसा होता तो फिर अब तक कांग्रेस क्यों नहीं आई फुल मैंडेट के साथ यहाँ पर? नहीं कभी कांग्रेस क्यों नहीं आई इतने सालों से? इसलिए कहने का मतलब ये है कि उनके ऑफिसेज में बैठ, कांग्रेस के ऑफिसेज में बैठ करके बीजेपी के कैंडिडेट तय होते हैं, और बीजेपी के ऑफिसेज में बैठ करके कांग्रेस के कैंडिडेट तय होते हैं। कुल मिला करके 40-60 का रेशियो रहता है, 40% तुम कमाना, 60% हम कमा लेंगे, चुपचाप रहना, हमारी सरकार है, तब तक बोलने की जरूरत नहीं है, केंद्र में भी हम हैं,
राज्य में भी हम हैं, निगम में भी हम रहेंगे, और चिंता ये करते तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। इस तरह की सोच इनकी होती है। उसी सोच को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है, और अपनी तरफ से नहीं आई है, गुजरात के लोगों की आवाज़ पे आई है। गुजरात के सह प्रभारी गुलाब सिंह यादव पूरे गुजरात में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वहाँ से कई हमारे साथी लोग यहाँ पर ऑब्जर्विंग के लिए आए हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं। तो मैं अमीना जी को भी मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्या काम करेंगी, तो अमीना जी ने कहा कि भाई देखो, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने के लिए कोई कमी नहीं है, जीवन में सब कुछ मिला, बस एक खिदमत खल्क का मौका नहीं मिला। आज वह खिदमत खल्क का मौका मिल रहा है, तो हम जनता की सेवा करेंगे। और अरविंद जी का ख्वाब है कि हर जन तक उसकी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए, तो वो सेवक बन के, खिदमतगार बन के काम करेंगे। आम आदमी पार्टी 76 सीटों पे क्या अपना कैंडिडेट उतार पाएगी? बिल्कुल सभी सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगी। अभी तो बीजेपी कांग्रेस के तो तय भी नहीं हुए, हमारे तो आधे से ज़्यादा तय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़के कौन सी पार्टी को फायदा या नुकसान करवाएगी? आम आदमी पार्टी किसी पार्टी को फायदा या नुकसान करा रही तो चुनाव ही नहीं लड़ती। हम सभी पे चुनाव लड़ेंगे, निगम में वोट बनाएंगे, और जो अब तक दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को अब तक उजागर करने की कोशिश की है, अब उनके खिलाफ जांच बिठाएंगे, और दोनों को उसके जांच के बाद दोषी पाए गए तो उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुसलमानों को टिकट दे रही है, तो क्या मुसलमानों का वोट कटवारा हो सकता है? ऐसा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो दुष्प्रचार कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए मैं तो नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का ये कहती है, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कांग्रेस कहते कि मुसलमान हमारा। जी सर, स्थानिक स्वराज के चुनाव आ रहे हैं जी, और आप चुनाव के अंदर आज वडोदरा शहर के अंदर प्रचार के तौर पर आए, क्या कहेंगे मीडिया को? मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं 3 दिन से पहले सूरत में था और आज वडोदरा आया हूँ। कल मैं पूरे दिन वडोदरा में घूमा हूँ, लोगों से बातचीत करी, किसी को ये नहीं बताया कि मैं क्या हूँ, चुपचाप मैं जनता के बीच में घूमता रहा। इस वार्ड नंबर 6 में भी घूमा मैं, जिसके प्रत्याशी अमीना हमारे बीच में है, अमीना जी, और साथ में हमारे अनिल जी बुधवानी जी हैं, दोनों प्रत्याशी हैं। मैं वडोदरा में काफ़ी जगह गया, तो लोगों से पूछा मैंने कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोगों ने कहा कि हम तो एक नए विकल्प की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा नया विकल्प कौन? उन्होंने यहाँ पर भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, 25 साल से भाजपा है और भाजपा ने वो वाला काम नहीं किया जो करना चाहिए। और जनता का सेवक होता है तो जनता का सेवक तो जनता को मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिलते भी तक नहीं है, हमारे गली मोहल्ले में आकर के देखते नहीं हैं, नाली बनी है कि नहीं बनी है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना के दौरान भी जो हमारे टोपी वालों ने काम किया, वो ना कांग्रेस ने किया ना भाजपा ने किया। अब कांग्रेस ऐसा दुष्प्रचार कर रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि भैया आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जाके गैर मुस्लिम इलाकों में जाकर कहती हैं कि भैया आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, नहीं तो फिर ये कांग्रेस वाले जीत जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये जनता समझ चुकी है, भाजपा और कांग्रेस दोनों को समझ चुकी है, दोनों ने बारी बारी से लूटा। 25 साल पहले उन्होंने लूटा, 25 साल इन्होंने लूटा, 25 साल में बीच में फिर थोड़ा बहुत कांग्रेस गठबंधन के तौर पे आई थी, इसने मिलकर निगम में लोगों को लूटा है। स्ट्रीट लाइट इसकी परेशानी, आपकी नाली का मामला उसकी परेशानी, सड़क का मामला उसकी परेशानी, राशन का मामला उसकी परेशानी, कुल मिला करके हर तरीके से लोगों को परेशान करने का था। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जनता हमें मैंडेट देने को तैयार है, जनता में फिर एक भ्रम फैला रहे हैं कि ये तीसरा मोर्चा। अरे तीसरा मोर्चा कहाँ से है? आम आदमी पार्टी ए थी, ए है, ए रहेगी। दूसरा तीसरा मोर्चा तो ये लोग थे, B4 BJP, C4 कांग्रेस, A4 आम आदमी पार्टी है, तो A1 तो A1 ही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको वोट दिया तो वो जीत जाएंगे, अगर ऐसा होता तो फिर अब तक कांग्रेस क्यों नहीं आई?
फुल मैंडेट के साथ यहाँ पर नहीं जमी कांग्रेस, क्यों नहीं इतने 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 सालों से? इसलिए कहने का मतलब ये है कि उनके ऑफिसेज में बैठ, कांग्रेस के ऑफिसेज में बैठ करके बीजेपी के कैंडिडेट तय होते हैं और बीजेपी के ऑफिसेज में बैठ करके कांग्रेस के कैंडिडेट तय होते हैं। कुल मिलाकर के 40-60 का रेशियो रहता है, 40% तुम कमाना, 60% हम कमा लेंगे, चुपचाप रहना, हमारी सरकार है, तब तक बोलने की जरूरत नहीं है, केंद्र में भी हम हैं, राज्य में भी हम हैं, निगम में भी हम रहेंगे, और चिंता ये कर दे तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। इस तरह की सोच इनकी होती है, उसी सोच को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है, और अपनी तरफ से नहीं आई है, गुजरात के लोगों की आवाज़ पर आई है। गुजरात के सह प्रभारी गुलाब सिंह यादव पूरे गुजरात में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वहाँ से कई हमारे साथी लोग यहाँ पर ऑब्जर्विंग के लिए आए हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं। तो मैं अमीना जी को भी मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्या काम करेंगी, तो अमीना जी ने कहा कि भाई देखो, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने के लिए कोई कमी नहीं है, जीवन में सब कुछ मिला, बस एक खिदमत खल्क का मौका नहीं मिला, आज वह खिदमत खल्क का मौका मिल रहा है, तो मैं हम जनता की सेवा करेंगे। और अरविंद जी का ख्वाब है कि हर जन तक उसकी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए, तो वो सेवक बन के, खिदमतगार बन के काम करेंगे। आम आदमी पार्टी 76 सीटों पे क्या अपना कैंडिडेट उतार पाएगी? बिल्कुल सभी सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगी, अभी तो बीजेपी कांग्रेस के तो तय भी नहीं हुए, हमारे तो आधे से ज़्यादा तय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़के कौन सी पार्टी को फायदा या नुकसान करवाएगी? आम आदमी पार्टी किसी पार्टी को फायदा या नुकसान करा रही तो चुनाव ही नहीं लड़ती। हम सभी पे चुनाव लड़ेंगे, निगम में वोट बनाएंगे, और जो अब तक दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को अब तक उजागर करने की कोशिश की है, अब उनके खिलाफ जांच बिठाएंगे, और दोनों को उसके जांच के बाद दोषी पाए गए तो उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुसलमानों को टिकट दे रही है, तो क्या मुसलमानों का वोट कटवारा हो सकता है? ऐसा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो दुष्प्रचार कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए महत्व नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का ये कहती है, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कांग्रेस कहते कि मुसलमान हमारा वोट, बीजेपी कहती कि गैर मुसलमान हिंदू तबका दूसरा तबका हमारा वोट, तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू वोट तुम्हारा, मुसलमान वोट तुम्हारा, तो तुझे जिसको नाली चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, निगम के अंदर भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, फिर वो वोट किसका? तो इसीलिए आम आदमी पार्टी एक अच्छे विकल्प के रूप में आई है, जो कि मैंने कहा ना, किसी की भी बी टीम नहीं है, आम आदमी ए टीम है, तो ए टीम ही रहेगी। और दिल्ली में जो करके दिखाया है, दिल्ली में अगर कहते हैं कि उपराज्यपाल केंद्र के हस्तक्षेप के बाद भी दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो सकते हैं, तो यहाँ पर फिर आम आदमी पार्टी काम क्यों नहीं करेगी? इसलिए आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है, यहाँ हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये, और असमी उड़िया गुजराती तेलुगू अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे हैं, पहले हम है भारतवासी, और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है, इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है, उस एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं, तभी इस एजेंडे के साथ मैं शहनाज हिंदुस्तानी अरविंद केजरीवाल का सिपाही होने के नाते, आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार एक स्टार प्रचारक होने के नाते ये कहता हूं कि जनता ने वडोदरा का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर इनकी पीठ पे खंजर घोंपा है, और जब लोगों को लगा, जब बीजेपी को लगा, जब कांग्रेस को लगा, एक टोपी ने सबको जगा दिया, साजिश रचकर उसने फिर शैतानी चाबुक चला दिया, डालो फूट और राज करो, जो मैं आपने मुझे कहा वही बात कह रहा हूँ कि डालो फूट और राज करो, गोरों ने ही सिखलाया था, इसी के चलते इस भारत माँ को नोच नोच कर खाया था, लेकिन अब काले अंग्रेजों ने इसको अपनाया है, फूट डालकर जनता में पूरे हिंदुस्तान का भोग लगाया है, और ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है, और कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है, तस्वीर बदलने आएंगे और बदल करके रहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कवि शहनाज हिंदुस्तानी, आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक दिल्ली।